Song viewers my name is Van Chima I welcome back with another video of capital smart city overseas prime sector K और ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो बाकी जो नेक्स्ट तीन वीडियोज़ होंगी वो रेलिवेंट नहीं है एलो रैम की मैं लेकिन बना दूंगा उनको दो वीडियोज़ को लेकिन ये इस सीरीज़ में जितनी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं सेक्टर ए से लेकर से सेक्टर के तक उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसमें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगर आपको लोकेशन चूजिंग का ऑप्शन मिले सेक्टर के में तो आपके लिए क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं क्या फ़ायदा क्या नुकसान है तो उसके लिहाज से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस ब्लॉक में जितनी लोकेशन जिन लोगों ने मेम्बर्स ने मेरे क्लाइंट ने चूज़ करनी थी ऑलरेडी हो चुकी है तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि विदाउट एनी गेंस या विदाउट एनी बेनिफिट ये वीडियो है जस्ट फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द मेम्बर जिन्होंने ऑलरेडी यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है अगर हम बात करें सेक्टर के की तो सेक्टर के में फर्स्ट ऑफ ऑल चार साइड्स जो है वो कौन सी बनती है नॉर्थ साइड पर इसकी बनता है कमर्शियल मार्केट फिर एक सौ अस्सी फुट का रोड फिर बनता है सेक्टर एच ये इसके ऊपर वाली साइड पर है अगर हम बात करें इसकी ईस्ट साइड पर तो ईस्ट साइड पर सेक्टर जे है सेक्टर जे में इक्वली जिस तरह यहां पर दस मरला के प्लाट हैं यहां पर भी दस मरला के प्लाट हैं और इनमें कोई डिफेंस ऐसा मेजर डिफ्रेंस नहीं है अगर हम इसकी बात करें वेस्ट साइड की तो वेस्ट साइड इसके पांच मरला के प्लाट्स बनते हैं और पांच मल्ला के ये वाले जो प्लॉट हैं पांच और शायद में भी कुछ प्लॉट जो हूँ वो सात मरला के भी हों लेकिन ये वाले प्लाट ये कलर जो है मुझे आई थिंक मेरा ख्याल है शायद इसको साढ़े तीन मरला के कुछ प्लाट यहाँ पर रखे हैं लेकिन सोसाइटी ने यह लॉन्च नहीं किया फ्यूचर में जब लॉन्च करेगी तो मैं इन चला को बता दूंगा अभी तक ये एरिया लॉन्च नहीं है मेरे ख्याल में सोसाइटी को डिवेलप और पोजेशनबल करने के बाद प्लाट को बेचेगी क्योंकि यहाँ पर आगे ग्रेड स्टेशन भी आता है ये सारा एरिया जब कुछ रहा है तो यहाँ पे इसके साथ जब लेटेस्ट स्टेज पे सेल होगा चीज़ें तो आपको बता दूंगा चाची आ जाता साउथ साइड पे साउथ साइड पे सेक्टर एल है जिसको सात मरला के प्लॉट्स हैं इसमें और अगर आपको सिलेक्शन मिलती है सात मल्ला की तो यहाँ तो बिल्कुल ना करें क्योंकि आपके पास दो इतने एक्सट्रीम अच्छे ब्लॉक हैं सात मरला के डी और ई e, उसको छोड़ के फिर आपने यहाँ वाले सिलेक्शन की कोई सेंस नहीं बनती तो ये चार साइड्स की बनती हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सेक्टर के की सेक्टर एक के अंदर जो अपने प्लाट्स हैं ज़ाती तौर पर वह हैं दस मरला के प्लाट जिनका साइज़ बनता है पैंतीस बाई पैंसठ यानी पैंतीस फीट फ्रंट और पैंसठ फीट लेंथ और इसमें टोटल अगर मरलों में बात की जाए तो दस मरला और अगर जो कराची के हमारे दोस्त हैं उनके लिए अगर मैं बताऊँ यार्ड्स में या गज़ों में तो आपको ढाई गज़ का प्लॉट बनता है यहाँ पे सेक्टर के में जो ओवरसीज से प्राइम सेक्टर के में प्लाट है अब इसकी अच्छी बात यह कि सेक्टर में बाकीियों की नस्बत यहाँ पे जिस तरह सेक्टर जे में अच्छे पार्क हैं इसमें सबसे बड़ा पार्क मौजूद है सेक्टर के का यानी सेक्टर के के अंदर ये वाला पार्क अगर आप देखें तो अगर मैं एरिया इसका मैयर कर सकूँगा पार्क का तो मेरे ख्याल में काफ़ी बड़े स्केल पर बनाया जाए, जाएगा अच्छा ये एरिया बनता है टू पॉइंट एट सिक्स एकड़ मल्टीपल एड एक कर लें तो आपके पास जो एरिया राउंड आ जाता है तकरीबन चौबीस कनाल का आपका पार्क है जो कि बहुत बड़ा पार्क है यानी लिविंग पॉइंट से देखें चौबीस कनाल का पार्क जो है सोसाइटीज़ आमतौर पे अफोर्ड नहीं करती लेकिन यहाँ पे जे के ब्लॉक में सोसाइटी ने मैप पे एक ट्वेंटी फोर कनाल का पार्क शो किया एक बहुत एक अच्छी बात है और इसके अलावा यहाँ पे लीनियर पार्क भी मौजूद है और यहाँ पे दूसरे दो पार्क भी मौजूद हैं तो मेरे हाल में इन कमर्शियल यहाँ पे शायद फूड कोर्ट बनेगा इन कमर्शियल मार्केट में ताकि उनको यहाँ पे एक सिटिंग आउटडोर सिटिंग स्पेस मिल सके जैसा सोसाइटी अपने जो कमर्शियल क्लाइंटेज होती है उनको एक बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए ऐसी स्पेस प्रोवाइड करती है कि उनके लिए उनके बिजनेस के लिए वो चीज़ उतना ही सोटेबल हो इस ब्लॉक में तमाम के तमाम प्लॉट्स हैं स्ट्रीट्स हैं पचास फीट की हैं इस ब्लॉक में ऐसा कोई नेगेटिव बात नहीं है कि आपको किस जगह छूट करना चाहिए किस जगह नहीं करना चाहिए सारी की सारी लैंड लेवल्ड है कोई फिलिंग नहीं है इसमें जो एक नेगेटिव बात आ सकती है इस साइड पर ये मतलब यहाँ पे लट्स जी मस्जिद या कुछ इस तरह की चीज़ आ जाती है या कुछ कमर्शल फेसिंग प्लाट तो कमर्शल फेसिंग तो कोई नहीं है क्योंकि इन प्लाट्स के सामने भी आगे पार्क है पार्क के बाद कमर्शल है तो एक डिस्टेंस अच्छा खासा बन जाता है और चौबीस पच्चीस कनाल एरिया एक बहुत बड़ा एरिया होता है लिविंग पॉइंट ऑफ सिर्फ देखें या वैसे भी पार्क देखें एक बड़े एरिया का पार्क होता है तो आपको यहां पे काफी बड़ी स्पेस मिल रही है तो उस लिहाज से एक अच्छी ऑप्शन मिलती है आपके तमाम तमाम को सूटेबल लोकेशन जो बनती है वो आपकी कॉर्नर बनती प्लाट ये वाले सारे फ्रंट बैक ओपन प्लाट अच्छा इनकी अच्छी बात ये वाले प्लॉट की है ना ये प्लाट ट्वेंटी एट से फोर्टी टू की ये फेसिंग इन साइड द के ब्लॉक है बैक साइड नहीं कमर्शियल फेसिंग है तो यहाँ पे तो प्लाट आपके वैसे ही बड़े बेनिफिट में आते हैं ना कि आपको कुछ प्राइवेसी कंसर्न भी नहीं है और आपके प्लाट जो बैक पर

लैंड जो है वो किस तरह की लैंड है के ब्लॉक में लैंड जो है उसकी लिटिगेशन क्लियर है ये पार्क वाले एरिया में देख लें फिर उसके बाद ये वाला एरिया देख लें 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 तो सोसाइटी की तरफ से अभी तक ये एरिया जो है मेरा नहीं ख्याल प्रिक्योर किया गया क्योंकि अगर प्रिक्योर किया गया होता तो जिस तरह बाकी ब्लॉक्स को विद इन नो टाइम जो है वो ब्राउन कर दिया जाता है इसमें से कुछ पैचेज़ जो हैं वो आई थिंक प्रिक्योर्ड हैं बाकी जो है पैचेज वो प्रिक्योर्ड नहीं है जे और के का जो एक इशू है वो लैंड डेटिकेशन का इशू है जे में भी अब काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है के ब्लॉक में भी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा लेकिन अभी तक जो साइड पर है वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे किसी और थर्ड पर्सन की ज़मीन नजर आती है तो लेट्स सी अभी फ्यूचर में आगे क्या होता है लेकिन इसकी के ब्लॉक के बैक साइड पे जो एल ब्लॉक है इसमें यहाँ पे काफ़ी ब्राउनिंग हुई है ये सात माला के प्लॉट्स हैं ये वाले प्लॉट्स इनकी ब्राउनिंग हो चुकी है अच्छा जी आप देखते हैं गूगल अर्थ लोकेशन पे मैं आपको रिवर्स करके टाइम लाइन को ये एरिया पहले कैसा दिखाई देता था मई दो में ये एरिया कुछ क्यों दिखाई देता था आप आज इन जनवरी दो में तो निराई जंगल यानी सिर्फ जंगल ही था कुछ भी नहीं था फिर बैक साइड पर आ जाए जी दो जुलाई में सेम एज इट इज़ मे में वही जंगल अप्रैल में वही जंगल नवंबर में वही जंगल दो तक तो शुरू से लेकर डे वन से इसमें जो चेंजेस आए हैं चीज़ों में मैं आपको डेढ़ दो साल में जो चेंजेस आए हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये मैं में आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे ख्याल इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है कि क्या चीज़ें हो रही हैं मे दो जुलाई दो जनवरी दो एंड देन मई दो एंड लास्ट इमेज आपकी आ जाती है वो आती है जुलाई 2021 की इसके आगे आगे अभी इमेजेस अपडेट नहीं हुई जब होंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको उस हवाले से तमाम डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगा सो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट नहीं लाहौर स्मार्ट नहीं, बुकिंग के वाले कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है आप मुझे वाट्सप कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़